अभी मेरा एक दोस्त था अदाकार मंजर अमीन, ऐसा कोई बड़ा अदाकार नहीं था, आम सा अदाकार था, लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह ने मेहरबानी की, अल्लाह ने फजल फरमाया, तौबा कर ली। अहले हदीस था, अहले हदीस था, बड़ा अल्लाह बड़ा तौहीद वाला आदमी था। मेरे साथ ही होता था कई साल पहले, तो अल्लाह ने तौफीक दे दी, तौबा कर ली। तौबा करके जनाब दाढ़ी रख ली, तबलीग का काम करता रख करता, तो अभी 59 साल की उम्र में अचानक इंतकाल हो गया। बस सुबह उठा ही, रात को सोया, सुबह उठा ही नहीं, इंतकाल हो गया। अब मैं उसके जनाजे पे गया, 4-5 दिन पहले जनाजे पे वहाँ गया, गुजरांवाला। आप यकीन करें, मैंने बड़े अदाकारों के जनाजे देखे हैं, लोगों को बुलाना पड़ता है कि कोई आ जाओ जनाजे, जनाजे पे आ जाओ, और जनाजे में शरीक होने वाले लोग भी देखे हैं। उसके जनाजे में मुफ्ती थे, उलमा थे, नेक लोग थे, और बड़ा बड़ा सा जनाजा, और कब्र के ऊपर जब रखा, तो मैं कब्र पे गया तो उन लोगों ने कहा कि वो भट्ट साहब तुझे चेहरा देखना, मैं क्या देखना। आप यकीन करो, अल्लाह को मैंने जान देनी है, रोशन चेहरा था, खुदा की कसम, नूर था उसके चेहरे पे। वो इतने सफ़ेद रंग का नहीं था, उसका ऐसे तांबे की तरह का रंग था, गंदा भी रंग होता है, लेकिन उसका चेहरा मैंने यूँ देखा तो वाइट चेहरा था, सफ़ेद, हसीन।